अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, सर्दियाँ इंजॉय कर रहे होंगे। चलें सबसे पहले अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दुरूद पाक पेश करते हैं, फिर उसके बाद मैं अपनी रेसिपी की तरफ आती हूँ कि मैंने आज क्या बनाया। आपको पता है जो मैं घर में रोज़ बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, सेम आसान सी डिशेज़ हैं आपके सामने, हर घर में मौजूद होती हैं। आप इजीली आएँ, इजी सीखें, इजीली बनाएं, भूख लग जाती है एकदम से क्या बनाएं क्या खाएं, तो प्लीज़ आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, न्यूज़ जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें आपकी तरफ से एक इनाम मिले कि आप हमारी रेसिपीज़ पसंद कर रहे हैं। और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए ताकि मुझे हौसला हो कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब मुझसे खुश हैं, आपको अल्लाह हमेशा खुश रखें। चलिए मैं आपको बताती हूँ रेसिपी का। ये देखें, मैंने ये आलू लिए हैं आपके सामने, और साथ हरी मिर्चें हैं, टमाटर हैं, अंडे भी हैं, और ये प्याज है। इन सबको मैं कट करके अब आपको अपनी, ये देखें मैंने आलू ले लिए हैं। अब आपने को मैंने बताना है आलू आपने ये कैसे कश करने हैं। आप रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा तो आपको पता चले कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। ये आपने ऐसे काट के ना, इनके बारीक बारीक काटने हैं ऐसे। आलू गोश्त तो सब बनाते हैं, आलू अंडे का मैं क्या बनाऊँगी ये आपको एंड में पता चलेगा। बनाइएगा, टेस्ट कीजिएगा, और बनाकर टेस्ट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। ये देखें, ये कट चुके हैं, बारीक बारीक पीसेस बन गए इनके। अब मैं इनको साइड पे करती हूँ। नेक्स्ट हम प्याज काटेंगे। ये देखें मेरी प्याज कट चुकी है, बारीक बारीक स्लाइस पीसेस हो गए हैं इसके भी। नेक्स्ट कढ़ाई गरम हो चुकी है, मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। बहुत मज़े की रेसिपी है, आपने लास्ट तक देखनी है। प्याज मेरी फ्राई हो रही है, जैसे कि सर्दियां हैं इंसान का दिल कर जाता है, सर्दियां हैं, ब्लैंकेट से बाहर नहीं निकलना, झटपट कुछ बनाना है। आप ये इजीली चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं, आप आराम से उठें, आराम से बनाएं और बैठकर खाएं। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है, बिल्कुल हल्की हल्की। अब हम इसमें टमाटर और ये हरी मिर्च का जो मैंने काटी थी सब ऐड कर देंगे। टमाटर अच्छी तरह से इसमें मैश हो चुके हैं, अच्छी तरह हो चुके हैं। अब मैं जो आलू काटे थे आपके सामने, मैं सारे आलू इसमें ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी मैं मुंह से बोल देती हूँ बिस्मिल्लाह, कभी मैं दिल में बोल देती हूँ। एक चम्मच नमक हसबे ज़ायका डाल लीजिएगा, मैं तो डेढ़ चम्मच डालती हूँ। ये हरी मिर्ची पहले ऐड की थी, ये कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी डालेंगे, हाफ टी स्पून, और ये हाफ हल्दी, और थोड़ी सी रेड मिर्च जायके के लिए। बस थोड़ा थोड़ा सा आपने ऐड करना है, क्योंकि हरी मिर्चें काफ़ी अच्छा काम कर देती हैं। और साथ अब ये काली मिर्चें, जिसके बगैर तो अधूरा है सब कुछ। आलू को थोड़ा सा गलने के लिए हल्का सा पानी डालेंगे, ताकि ये गल जाएं।
अब मैं इनका क्या करने वाली हूँ। आपने इसमें ये नमक थोड़ा सा और ये काली मिर्च जरूर ऐड करनी है। मैं इनको फेंटने लगी हूँ, अच्छी तरह से फेंटना है, अच्छी तरह से, ताकि इनका एक भी ना ये जैसे ये चीज़ ना ये ना रहे। साथ में ही रोटी भी पक रही है, भूख लगी है ज़ोर से। अब ये देखें, ये आपके सामने तैयार हो चुका है, अच्छी तरह आलू गल चुके हैं। अब हमने जो अंडे का मिक्सचर बनाया था हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसके अंदर ना ऐसे इसमें ऐड कर देना है। ये देखें, ये हमारा अंडों का मगज रेडी हो चुका है। अब आप इसको अपनी फैमिली के साथ खाएं, सर्व करें। मैं आपको अभी खाकर भी दिखाती हूँ कितना मज़े का बनता है ना ये मगज अंडा हरे धनिया के बगैर नामुकम्मल है। खाने के भी तरीका बताती हूँ मैं आपको, जैसे मैं खाती हूँ। ये मैं इसमें से निकाल रही हूँ और ये इसमें डाला। यम्मी माशाल्लाह, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, आपने ज़रूर खाना है। मेरे हाथ ऐसे हो गए, रोटी पका रही थी साथ साथ, लेकिन मेरा खाना तो है ना, ये बहुत भूख लगी है। देखें अच्छी तरह गल चुके हैं हमारे आलू, ये अंडा भी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाऊं के बोलूं, बहुत मज़े का है। प्लीज़ मेरी मेहनत को कबूल कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी यहाँ नए आने वाले हैं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उनका जो आए मुझे कमेंट किया। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, आप भी मेरे साथ कॉपरेट करें। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके मुझे खुश करें। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह हाफिज़।